हेलो एवरीवन, आप सबका एक माँ बेटे की दुनिया में बहुत बहुत वेलकम है। मेरी बहन हंस रही है, हम वेलकम कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा वाली खुश हूँ। आप सोच रहे होंगे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि आज मेरे रूम में एसी लग गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आज मेरे भाई ने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एसी लगवाया है। ईद का गिफ्ट पहले ही दे दिया। बेटा जो है, माँ बेटे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि मेरे बेटे को वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हिल स्टेशन के हैं ना, तो ये देहरादून के हैं, तो इनको गर्मी बहुत लगती है। तो अब मामा ने क्या किया कि अब एसी लगवा दिया है। वैसे मामा के रूम में पहले ये रहते थे, बट अब मामा ने हम लोग के रूम में पर्सनली मतलब सेपरेट एसी लगवा दिया है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए, मैंने इनको इसीलिए पूरा फुल पहना रखा है, इनको अब ठंड लगी। देखिए देखिए, हेलो कर दीजिए सबको, हेलो एवरीवन। अभी को फुल पहना है ना, ठंड लग रही है आपको? देखिए ये ठंड लग रही है। सिंगल पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क है किसी के लिए भी, किसी भी मेल और किसी भी फीमेल के लिए, क्योंकि कुदरत कहती है और नेचर के अकॉर्डिंग एक बच्चे को दो लोग मिल के जन्म देते हैं। लेकिन अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सिर्फ और सिर्फ एक पे आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब तक वो बहुत सेफ होता है और सिक्योर होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको दुनिया का नहीं पता, उसको सोसाइटी का नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता होता है। बट जब वो बच्चा दुनिया में आता है, तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, उसकी स्कूलिंग है। और आजकल आपको पता है कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स के क्या हाल हो रखे हैं। मोटी मोटी रकम लेते हैं एडमिशन के लिए, उनका जो प्रोसीजर है। गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है आज के टाइम में, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम इतना होना चाहिए। उसके बाद बच्चा है, उसकी बहुत सारी ज़रूरत होती है, कपड़े हैं उसके लिए, उसको खिलौने भी चाहिए, उसको चॉकलेट भी चाहिए, तो सब कुछ आप अकेले मैनेज करते हो। जबकि कुदरत कहती है कि दो लोग मिलके, जो पेरेंट्स होते हैं जिसको मदर फादर कहते हैं, इन दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है किसी के साथ भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि उसके ऊपर सिंगल पेरेंटिंग है उसके ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ा वाला चैलेंज होता है। ये बहुत बड़ा वाला टास्क होता है। समाज है, सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग, जहाँ हम काम करते हैं, बहुत सारे टफ चैलेंज होते हैं जो आपको फेस करना पड़ता है बच्चे के साथ साथ। और प्लस उसके बाद आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी मम्मा कहाँ है, अगर आपके पापा हैं तो वो क्वेश्चन करता है कि मेरी माँ कहाँ है, और अगर आपकी माँ है तो वो क्वेश्चन करता है कि मेरे फादर कहाँ है। क्योंकि बच्चा है, ग्रोथ कर रहा है, तो स्कूल जा रहा है, तो आसपास की चीज़ों को देख के वो क्वेश्चन करेगा ही। वैसे भी छोटे बच्चों का जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है। तो मुझे लगता है कि सिंगल पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा वाला टास्क है। बट मैं ऐसे लोगों का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो इस टास्क को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, बट ऊपर वाला गॉड है, वो सब कुछ देख रहा है, जिस रूप में भी आप मानते हो, अल्लाह भगवान देख रहा है। और इन सब के बाद अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश या अच्छा इन्वायरमेंट देते हो और आप उसको किसी लायक एक अच्छा इंसान बनाते हो, तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपका साथ कोई दे ना दे, आपका साथ समाज दे ना दे, परिवार दे ना दे, बट आपका बच्चा ज़रूर आपका साथ देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे को एज ए सिंगल मैं पाल रही हूँ आज अपने बच्चे को। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसका बीमार होना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गई थी, मैं यहाँ थी भी नहीं, मैं पंजाब में थी। रात में उसको अचानक से बहुत तेज़ फीवर हो गई, और वो मतलब इतनी तेज़ बुखार थी कि वो जहाँ सो रहा था, वो पूरा बेड जो था वो बिल्कुल गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। तो पूरी रात मैं जगी उसके साथ, मैंने उसको पट्टी रखी, कोल्ड पट्टी रखी मैंने उसको, ताकि उसकी फ़ीवर कुछ कम हो। मेरे पास पैरासीटामोल थी, बट फिर भी उसकी फ़ीवर नहीं कम हुई। पूरी रात मैं ऐसे बैठी रह गई बच्चे को लेकर के, कि कब सुबह होगी और कब मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगी। और सुबह हुई और
फीवर चढ़ रही थी, उतर रही थी। मैं पूरी रात मैं अल्लाह से यही विश कर रही थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और उसके बाद मॉर्निंग, जैसे ही मॉर्निंग हुई, मैं अपने बेटे को लेके पंजाब में गई, डॉक्टर को मैंने दिखाया, और वहाँ के सबसे बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे, एक डॉक्टर, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था इसको, ऐसे ही नॉर्मल सीजनल जिसको कहते हैं फीवर था। तब जा कर के मुझे लगा कि हाँ, मतलब वो चीज़, वो चैलेंज, वो टाइम जो मैं अकेले अपने बच्चे को दे रही हूँ, जो जो मतलब दो लोग की रिस्पांसिबिलिटी होती है, फादर एंड मदर दोनों की, बट मैं अकेले सारी चीज़ों को कर रही हूँ। कभी उसको घूमने का मन करता है तो मैं उसको पार्क में लेके जाती हूँ, मैं ऑफिस से, मेरे ऑफिस से आने के बाद कभी कभी वो ज़िद करता था कि नहीं नहीं मम्मा मुझे चलना है, तो मैं जैसी हालत में रहती थी वैसे मैं उसको लेकर तुरंत पार्क में चली जाती थी। उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, उसको क्या चाहिए, बहुत मतलब पूरे दिसंबर, जनवरी और दिसंबर मैं ठंड में भी मैं अपने बच्चे को लेकर अपने साथ ऑफिस गई हूँ, और गोद में लेकर मैंने काम किया है उसको, गोद में लेकर के मैंने अपने ऑफिस का काम किया है। और बहुत चैलेंज है वो, तो अभी तो खैर मेरा बेटा से, और अभी तो मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा, 1 मई को मेरे बेटे का बर्थडे है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि वो ठीक रहे, हेल्दी रहे, और उसकी तबीयत ना ख़राब हो। मैं उसकी तबीयत से बहुत परेशान हो गई हूँ, और मतलब मेरा ड्रीम है कि आई विल मेक माई सन ए प्राउड इंडियन, बस, और एक अच्छा इंसान बना सकूँ, एक IPS ऑफिसर बना सकूँ। जो भी स्ट्रगल है, जो भी टास्क है मैं कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हर चीज़ को आप नहीं बता सकते हैं, वो तो रियलाइज़ करने की बात है। इस वीडियो को देख करके, मतलब सुन के ही आपको कैसा लग रहा होगा, तो जो ये फेस करता है तो उसकी तो खैर बात ही अलग, मेरी बहन आई है तो वो देख के मुझे हंस रही, इसलिए मुझे भी हंसी आ गई। तो बस फाइनली मैं आज बहुत खुश हूँ, और मेरे बेटे के बर्थडे को सिर्फ 24 डेज़ रह गया है, और उम्मीद है कि मैं इस बार अपने बेटे का बहुत अच्छा बर्थडे करूँगी, कि लास्ट 2 साल से उसका बर्थडे अच्छा नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से, बट इस बार उसका बर्थडे बहुत अच्छा करना है। और बस आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माँ बेटे को, इस माँ बेटे को। और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही बरकत का महीना है, प्लस नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो ये दोनों पाक महीने मिल करके सबके साथ अच्छा हो, हर एक की परेशानियां दूर हो जाए, हर एक आदमी अपने लाइफ में खुश रहे, सबके बच्चे हेल्दी रहें। एक माँ होने के नाते तो मैं यही दुआ करती हूँ कि कभी भी बच्चों को कुछ ना हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।